Jai Hind students. So today we are going to start with the miscellaneous exercise of chapter 6. Application of derivative. Chapter 6. So in miscellaneous exercise, all the questions are different. It means they belong to all the exercise. Different. Some questions are of rate of change, some are for approximation, increasing, decreasing, tangent, normal, and maxima, minima. So you have to recall the way of method or different kind of method to solve all these problems. So one by one we are going to discuss. So first of all, first problem, using differential, find the approximate value of the following. So here we have to use the approximate formula. So in exercise we not did any question like numerator upon denominator form. So how to solve these kind of question? First of all, let's see, write like this: 17 ki power 1/4, 81 ki power 1/4, or 17 ki power 1/4, 81 ko likh sakte hain 3 ki power 4. So denominator we solved. Now come to numerator. So we have to solve the numerator using approximate, and then we'll put here the value. तो सबसे पहले क्या करते थे? Identify the function. सबसे पहले हम functions को identify करते थे. fx में किसको लेता हूं? इसको. Let f of x या y is equal to 17 की power 1/4. fx मैंने किसको माना है? 17 की पावर 1/4 को. तो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द फंक्शन. स्टेप फर्स्ट, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते थे. नाउ देन फाइंड आउट x एंड डेल्टा x. तो x ऐसा होना चाहिए जिसकी जिसका फोर्थ रूट बन सके. तो 17 के नियर अबाउट क्या होगा? 16, क्योंकि 16 का फोर्थ रूट क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा. सो एक्स, सेकंड स्टेप टू, स्टेप टू, एक्स इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दैट इज प्लस 1. स्टेप थर्ड, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस f of x. ये भी मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आया था. फोर्थ स्टेप, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई. तो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट लिख देते हैं, दैट इज dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x. इसको इधर लाते हैं, प्लस f of x इज इक्वल टू f of x प्लस डेल्टा x. नाउ फाइंड आउट dy अपॉन dx. इसका dy अपॉन dx करेंगे. dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/4, पावर में एक कम हो गया, माइनस 3/4. सो यू कैन राइट लाइक दिस, 1/4 x की पावर 3/4. सो ये आ गया 1/4 x की पावर 3/4. डेल्टा x कितना है? 1. प्लस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 16 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है? 17. क्लियर? नाउ इसको सॉल्व करना है. x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 का कैन आई राइट लाइक दिस, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 1, कैंसिल आउट, प्लस f ऑफ x. हमारे पास y का मतलब क्या होता है? f ऑफ x ही होता है. तो यहां पे x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 16. अगेन यू कैन राइट 2 की पावर 4 इंटू 1/4. नाउ कम हियर, यहां पे लिखते हैं, इट इंप्लाइज
इट इंप्लाइज कितना बन गया नीचे 1/3 8 8 4 32 + 2 क्लियर। अब 1 को डिवाइड करेंगे हम 32 के, तो 1 32.0 अगेन 0 0 32 9 3 6 96 40 32 1 8 32 2 4 6 कितना बना 10 में से 6 गए 4 गए सॉरी 16 क्लियर। सो नाउ फर्दर विल नॉट सॉल्व दिस वन, ये काफी हो गया। सो ये बन गया इट इंप्लाइज कितना आ गया 0.0312 + 2 = 2.0312। आगे ये चलता रहेगा, कोई वो नहीं है। ओके नाउ ये किसकी वैल्यू आई, दिस इज द 4th root of 17। बट हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था 17 1/4 / 3, तो हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी। सो नाउ 17/81 / 1/4 = 2.0312/3 अगेन यू कैन डिवाइड 2.0312 3 से डिवाइड करते हैं पॉइंट लगा 20 3 6 18 क्लियर। और एक और चीज की जा सकती है, आप ये पॉइंट यहां से हटा देते तो भी एक ही बात होती, कोई फर्क नहीं पड़ता 3 6 18 तो 2 3 3 7 21 2 1 3 7 21 फिर 2 तो ये इट कीप ऑन मूविंग। सो मैं इसको लिख लेता हूं 0.677 डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाती है। सो हमने ये वैल्यू निकाल दी। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट 33 / 1/5 हेयर ओनली न्यूमिनेटर इज देयर। सो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द फंक्शन। आइडेंटिफाई मींस y = x / 1/5 स्टेप टू x और डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करना। x ऐसा होना चाहिए जिसका फिफ्थ रूट बनाया जा सके, एग्जैक्ट फिफ्थ रूट। सो 33 के आसपास कौन सा होगा 32, क्योंकि उसका फिफ्थ रूट कितना होता है 2। सो इसको मैं लिख लेता हूं 32 और डेल्टा x क्या आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 3 दैट इज डेल्टा y = f(x + Δx - f(x) डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करते हैं dy/dx (Δx = f(x + Δx - f(x) सो हियर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx कितना आ जाएगा 1/5 x / -4/5 और 1/5 x / 4/5 पुट हियर नाउ 1/5 x / 4/5 डेल्टा एक्स 1 है f(x) कितना बना था ये 33 माइनस f(x) = x की वैल्यू कितनी है 32। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पुट द वैल्यू ऑफ x हियर 1/5 32 यानी 2/5 × 4/5 × 1 सेम रहेगा, इसको इधर लाते हैं प्लस फंक्शन में x की जगह 32 पुट करें क्योंकि ये f(x) ही होता है, तो x की जगह 32 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 2/5 1/5 दैट इज इक्वल टू f(33). नाउ 5 से 5 कैंसिल 2 4 2/4 कितना होता है 16। सो 1/5 × कैन आई राइट लाइक दिस, थोड़ा इजी कर देते हैं, 4 बार है We can write like this. ये कैंसल आउट हो गया, सो ये आ गया प्लस 2।
इज इक्वल टू एफ ऑफ 33। नाउ ये तो बन गया 10 और ये कितना बना 8। सो हम 1 को 8 से डिवाइड करते हैं, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट और इजी। सो ये आ गया 1 अपॉन 10 इंटू 8 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 33। सो 1 को डिवाइड करते हैं 8 से, 0.0 1 8 2 0 8 2 जा 16 4 अगेन 0 8 5 जा 40। सो ये कितना बन गया 0.125 अपॉन 10 प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 30। 10 ऊपर गया तो 0.0125 प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ 33। सो ये बना 2.0125। ये किसकी वैल्यू आ गई, द फिफ्थ रूट ऑफ 33। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस हैज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। सो वी हैव टू प्रूव दैट मैक्सिमम। हाउ टू प्रूव मैक्सिमम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट एफ डैश एक्स, देन वी विल पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, वी विल फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट और वो ये आना चाहिए, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड ऑन दिस पॉइंट वी हैव टू शो इट व्हाट, क्या प्रूव करना है मैक्सिमम। तो लेस देन क्या होनी चाहिए वैल्यू, 0 होनी चाहिए, दिस इज द मैक्सिमम। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स निकालते हैं, दैट इज इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर 1। ये कैंसिल आउट हो गए, इट इज 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। नाउ पुट, थर्ड स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 1 माइनस log of x upon x square equal to 0, cross multiply kiya, 1 minus log of x is equal to 0, log of x is equal to 1, so can I write instead of 1 log e, 1 ko log e bhi likha ja sakta hai, so jaise hi main isko log e likh dunga ye aa jayega, it implies x is equal to e. So first thing we proved, now next find out f double dash x, f double dash x to prove it maximum. So f double dash x nikala to wo kitna aa gaya, again denominator ka square, denominator as it is, numerator karenge minus 1 upon x minus 1 minus log of x into 2x, ye cancel out hua, what is left, minus x minus 2x plus 2x log of x upon x की पावर 4, दिस इज f डबल डैश x। सो f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू e, सो माइनस e माइनस 2e प्लस 2e log of e की पावर 4, log e 1 होता है, सो ये कैंसिल आउट हो गए। So f double dash x at x is equal to e minus 1 upon e की power cube, ये value positive रहेगी, बाहर negative है तो less than 0, so we can write it has maximum value at x is equal to e, it has maximum value at x is equal to e। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया जो हमें प्रूव करना था। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ प्रॉब्लम थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग। सो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, दिस इज
दिस इज द ट्राइंगल. क्या ट्राइंगल है? ए बी सी. ये एक ट्राइंगल है जिसका उसने कहा है टू इक्वल साइड ऑफ एसिस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी. ये बी है और ये जो दो साइड है इसको इक्वल मान लेते हैं, तो इस साइड को मैं एक्स मान लेता हूं. देन तो द टू इक्वल साइड्स ऑफ एसिस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी जो इक्वल साइड है वो डिक्रीज कर रही है यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमें दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस. तो दो चीजें हैं, हमें एरिया बताना है कि वो डिक्रीज कर रहा है और ये भी प्रूफ करना है कि दैट टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस. ये जो दोनों साइड है वो बेस के क्या होंगी? इक्वल. सो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं 90 डिग्री. क्लियर? सो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो बी बाय टू, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. सो ये जो आएगा अल्टीट्यूड जो ड्रॉ होगा इसके ऊपर वो बिल्कुल सेंटर में होगा. तो बी बाय टू, बी बाय टू, और इसको मैं मान लेता हूं डी. नाउ लेट लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर. ये साइड है. देन बी डी हमें जो बेस दे रखा है, लेट बी सी बेस इज इक्वल टू ये 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है. सेकेंड, अब हमें क्या निकालना है? एरिया. एरिया निकालने से पहले हमें क्या निकालना है? अल्टीट्यूड. ये अल्टीट्यूड, तो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर. इन ट्राइंगल ए बी डी और ए डी बी यू कैन टेक इट. सो ए बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वेयर प्लस बी डी का स्क्वेयर. ए बी हमारे पास कितना है? एक्स का स्क्वेयर. ए डी कितना है हमारे पास? पता नहीं, दैट वी हैव टू फाइंड. बी डी कितना है? बी बाय टू, यानी बी स्क्वेयर अपॉन. सो ए डी का स्क्वेयर कितना आ गया? एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन, दिस इज ए डी का स्क्वेयर. ओके, नेक्स्ट ए डी का स्क्वेयर हमने निकाल लिया. अब हमें ये हाइट मिल गई और यू कैन से दैट अब हम निकालेंगे एरिया. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो होता है हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड ए डी. सो एरिया को मैं ए लिख लेता हूं हाफ. व्हाट इज बेस हियर? बेस है बी. अल्टीट्यूड कितना है? ए डी. यहां पर हमारे पास क्या है? ए डी का स्क्वायर. सो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन. नाउ डू वन थिंग, इस स्क्वेयर को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका नाम अलग रख लेते हैं. ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का था, वो मैक्सिमा मिनिमा का था. इसमें जब भी हमें क्या करना होता है? डिक्रीजिंग बतानी है, एरिया डिक्रीजिंग बताना है, तो क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी उसे डिफरेंशिएट, रेट ऑफ चेंज निकालना है. तो इसको जो डिफरेंशिएट किया जाएगा वो किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? अगर आप ध्यान से देखें, ए को जो डिफरेंशिएट किया जाएगा वो किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? ए को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. सो डी ए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? डी ए अपॉन डी टी, यानी एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाफ बाहर बी. ध्यान से देखें, बी जो है दैट इज साइड. तो ये क्या ट्रीट होगा? ये फिक्स्ड है क्योंकि ये दे रखा है हमें, ये फिक्स्ड है तो ये चेंज नहीं होगा. अब डिफरेंशिएट किसको किया जाएगा? इसको
पावर डाउन हुई, पावर में एक क्या हुआ, कम हो गया। ध्यान से देखें, अब फंक्शन की दोबारा से, तो फंक्शन में 2x, ये तो जीरो हो जाएगा, x की दोबारा से तो dx अपॉन dt, क्लियर। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1/2 b, ये x dx अपॉन dt कितना है हमारे पास, dx अपॉन dt हमारे पास था -3, ये हमें गिवन था यहां पे, एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो -3 इंटू 1 अपॉन, इसको पॉजिटिव करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -b² अपॉन 4। सो ये क्या बन गया हमारे पास, dA अपॉन dt इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 bx इंटू, एलसीएम लेंगे तो 4 ऊपर गया तो 2, अंडर रूट 4x का स्क्वायर -b का स्क्वायर, 2 से 2 अगेन कैंसिल, सो dA अपॉन dt दैट इज इक्वल टू -3bx अपॉन अंडर रूट 4x का स्क्वायर -b का स्क्वायर। हमें दो चीजें इसमें प्रूव करनी थी, एक जो एरिया है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइन आ गया इट मींस एरिया क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेकंड प्रूफ करना था कि जो ये जो साइड्स इक्वल साइड्स हैं ये किसके इक्वल होंगी, बेस के इक्वल होंगी। इफ द साइड इज इक्वल टू द बेस देन दिस एरिया विल डिक्रीज, ये हमें क्या करना था, बताना था। नाउ फर्स्ट नोट डाउन एंड देन आई एम गोइंग टू रब दिस वन, देन विल डू पॉज द वीडियो। नाउ क्या गिवन है, व्हेन इक्वल साइड इज इक्वल टू द बेस तब एरिया का क्या है, सो डी अपॉन डी टी व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी दैट इज -3b इनटू बी अपॉन 4b का स्क्वायर -b का स्क्वायर इक्वल टू -3b का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3b का स्क्वायर दैट इज माइनस, ये लिख देंगे 3b का स्क्वायर, ये बाहर आ गया अंडर रूट 3b, ये कैंसिल आउट यानी माइनस अंडर रूट 3b। सो एरिया इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कितना है, एरिया का क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो नेगेटिव साइन है तो इट मींस इट इज डिक्रीजिंग व्हेन दिस साइड इज इक्वल टू द बेस। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट दिस, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या होती है, y-y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx x-x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो फंक्शन हमें दे ही रखा है, पॉइंट हमें दे रखे हैं, ओनली वी हैव टू फाइंड द स्लोप एट पॉइंट। तो y² इक्वल टू 4ax डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, सो dy अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 तो दैट इज कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 2 इनटू y की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा, तो dy अपॉन dx आया। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या होती है, -1 अपॉन dy अपॉन dx दैट इज -1, क्योंकि ये 1 आ गया। नाउ फाइंड द इक्वेशन, सो इक्वेशन इज इक्वल टू y-y1 इक्वल टू -1 x-1, सो y-2 इज इक्वल टू -x+1, x प्लस y -2 -1 इक्वल टू
0, x plus y minus 3 equal to 0. So this is the equation of normal to the curve. Pause the video to note down. Now, again, this is a very important question. Show that the normal at a distance theta to the curve, two curves are there, and this is parametric form because x and y is related to theta, at a constant distance from the origin. So, we have to distance too, but what do we have to do? Equation of normal. Then, normal ka distance from the origin, and what is equal to the constant? और यहां पे जो कांस्टेंट है वो क्या है? a है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी स्लोप. तो स्लोप आपको कर्व की दो इक्वेशन दे रखी है, x is equal to a cos थीटा plus a थीटा sin थीटा, y is equal to a sin theta minus a theta cos theta, dx upon d theta, a sin theta plus a bahar, or first function as it is sin ki karenge cos theta plus sin theta as it is theta ki karenge 1. Clear? So ye hamare paas ban gaya minus a sin theta plus a थीटा cos थीटा plus a sin थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, dx upon d थीटा आ गया हमारे पास ये. Now come to this, dy upon d थीटा, a cos थीटा minus a बाहर, first function as it is cos की करेंगे minus sin थीटा plus cos थीटा as it is थीटा की करेंगे 1, comma dy upon d थीटा is equal to a cos theta minus, ये bracket में है, यानि plus a theta sin theta minus a cos theta, ये cancel out हो गया. What is left with you? dx upon d theta a theta cos theta, dy upon d theta a theta sin theta. Now we have to find first dy upon dx, slope of tangent. Then we will find out slope of normal. Ye aa gaya dy upon d theta upon dx upon d theta. dy upon d theta kya hai? A theta sin theta, a theta cos theta. Ye kitna aa gaya? Tan theta. Clear? Now this is tan theta. Now we have to find what? We have to find out, ye to aagi slope of tangent, we have to find slope of normal, or write down directly equation of normal. Wo kya hoti hai? Y minus y1 is equal to minus 1 upon dy upon dx, x minus x. Okay, so sabse pehla now, ab सबसे पहले क्या आ जाएगा यहां पे? सबसे पहले आ जाएगा यहां पे y माइनस y1 कितना है? ये दीज आर द पॉइंट, x और y जो है वो यही पॉइंट है. अगर देखा जाए तो और कोई पॉइंट हमारे पास यहां पे है नहीं. सो a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस, क्या होता है? माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज माइनस वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स माइनस एक्स वन ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, वाई माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, उल्टा कर लेंगे माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, x माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया y sin थीटा
माइनस ए साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा, फिर प्लस ए कॉस स्क्वेयर थीटा, अगेन प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इस टर्म को इधर लाओ, इस टर्म को इधर ले जाओ, व्हाट इज लेफ्ट, वाई साइन थीटा, ये टर्म इधर आई प्लस एक्स कॉस थीटा, ये टर्म उधर गई ए कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए साइन स्क्वेयर थीटा, ए कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया वन, तो यानी कि व्हाट इज लेफ्ट, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ए और माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ओरिजिन। सो हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में ये फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना हो किसी भी इक्वेशन के ऊपर, या तो ये आता है क्या, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट कॉफिशियंट ऑफ एक्स का, जो इसका कॉफिशियंट होता है उसका एक्स का स्क्वेयर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वेयर। दिस इज द, और ये मॉडुलस, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन एनी ऑफ द लाइन। तो यहां पे एक्स वन और वाई वन हमारे पास क्या है, ओरिजिन, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट डिस्टेंस कहां से निकाला जाएगा, ओरिजिन से। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की जगह पे क्या आ जाएंगे, जीरो जीरो, क्योंकि ए और बी तो ये है, तो ये बना साइन थीटा इंटू जीरो, डिस्टेंस मॉडुलस प्लस कॉस थीटा इंटू जीरो माइनस ए अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर दैट इज कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वेयर दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा, कितना आ गया, जीरो जीरो, माइनस ए है मॉडुलस के बाहर आएगा पॉजिटिव है, ये वन बन गया, तो आंसर इज वन एंड दैट इज कॉन्स्टेंट, ये क्या है, कॉन्स्टेंट। So likewise, you can solve these kind of question. Pause the video to note down, and you have to solve this miscellaneous exercise from question number 1 to 5. All the questions are very important. Understand well and then write down. And those who are new to the channel, subscribe this channel. Till that, Jai Hind.